खबर आ रही है 10 से 14 जनवरी के बीच चुनाव का ऐलान संभव है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये कि चुनाव आयोग 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि इस बार यूपी चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी के बजाय पूर्वी यूपी से होनी चाहिए, लेकिन ये फैसला देखिए चुनाव आयोग करेगा। इस बारे में बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग के लखनऊ दौरे पर मुलाकात में आग्रह किया था कि चुनाव की शुरुआत यूपी, उत्तर प्रदेश से हो। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 7 चरणों में हुए थे और इनकी शुरुआत वेस्ट यूपी से हुई थी। अब इस बार क्या स्केड्यूल रहेगा इन चुनावों का, इस पर नजर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। और सूत्र यह बता रहे हैं कि 10 से 14 जनवरी के बीच इलेक्शन कमीशन ऐलान कर सकता है तारीखों का। रैलियां लगातार हो रही हैं और देखिए कोरोना का संक्रमण भी बढ़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की खबर आई गई, जो अलग अलग चुनावी राज्यों में घूम रहे थे, रैलियां कर रहे थे और बड़े बड़े चुनावी वादे कर रहे थे। मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के नेता, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और चुनावी राज्यों की जनता, देश की जनता यही मांग कर रही है, यहां तक कि आवाज तो चुनावों को रद्द करने की भी उठ रही है। और हम ये अपील करते हैं कि जितना हो सके अपने अपने घरों में रहिए और ये जो रैलियां हैं, ये जो संबोधन है, वर्चुअल भी नेतागण कर सकते हैं। अमित मेरे साथ जुड़ गए। अमित, सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 10 से 14 तारीख के बीच कभी भी ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग तारीखों का। अमित के पास मैं वापस जाऊंगी, लगता है आवाज अमित तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 से 14 जनवरी के बीच कभी भी ऐलान हो सकता है तारीखों का चुनावों को लेकर। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, यहां पर चुनाव है। उत्तराखंड में चुनाव है। सरकारें, मौजूदा सरकारें जोर शोर से कोशिश में जुटी हुई हैं सत्ता में, सत्ता की कुर्सी पर वापसी करने के लिए। वहीं दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, ताकत झोंकती हुई कि सत्ता की कुर्सी पर काबिज होया जा सके। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, चुनावी वादे चुनावी राज्यों की जनता से पार्टियां कर रही हैं। और ऐसे में इंतजार है तारीखों के ऐलान का, और जैसी तारीखों का ऐलान होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। और अभी जो सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि 10 से 14 जनवरी के बीच तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर देगा। हालांकि बीजेपी चाहती है कि पूर्वी यूपी से चुनाव का आगाज होना चाहिए, आग्रह भी किया गया है चुनाव आयोग के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। ये फैसला हालांकि अब चुनाव आयोग को ही करना है। 10 से 14 जनवरी के बीच कभी भी तारीखों का ऐलान, सूत्र बता रहे हैं कि 10 से 14 जनवरी के बीच चुनावों का ऐलान संभव है। इस बार पूर्वी यूपी से चुनाव के पक्ष में अब भारतीय जनता पार्टी, पिछली बारी पश्चिमी यूपी से आगाज हुआ था। इस बड़ी खबर पर नजर लगाता टाइम्स नाउ, नव भारत के टिकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो 10 से 14 जनवरी के बीच चुनाव का ऐलान संभव है। अमित कुमार मेरे साथ फिर से जुड़ गए। अमित, आवाज मिल रही है तो और जानकारी दीजिए। अमित, आवाज पहुंच रही है। अमित, विस्तार से जानकारी दीजिए, इस बार क्या पूर्वी यूपी से चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी ने जिस तरह का आग्रह किया चुनाव आयोग से, और 10 से 14 के बीच कभी भी ऐलान होगा? जी, 2014 हो या 2017 या फिर 2019 के चुनाव जो हुए हैं, उसमें जो चुनाव हुए थे उसमें शुरुआत जो हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई थी, और इसके बाद चुनाव का आखिरी जो था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस, गाजीपुर यहाँ पर खत्म हुआ था। लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से ये अपील की गई है कि चुनाव जो हो उसकी शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू हो, पूर्वांचल से शुरू हो, और खत्म जो हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो। तो ये भी अपील की गई है। जब लखनऊ में चुनाव आयोग की टीम ने बीजेपी से मुलाकात की थी तब ये आग्रह किया गया था। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की लखनऊ में एक बड़ी सभा है, इसके बाद 10 से 14 तारीख के बीच में किसी भी दिन चुनाव का ऐलान हो सकता है। और बीजेपी ने अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट भी किया है, क्योंकि देखिए कोरोना महामारी का जो डर है वो भी सामने है, उसको प्रोटोकॉल को देखा जा रहा है, तो उम्मीद ये किया जा रहा है कि 10 से 14 तारीख के बीच कभी भी। अमित, जनता के मन में सवाल है कि पूर्वी यूपी से ही आगाज क्यों हो चुनाव का, बीजेपी ऐसा क्यों चाह रही है? देखिए पिछले कुछ सालों से जो पुराने धरे पे, पुराने तर्ज पर हो रही थी कि पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होता था, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा से शुरू होकर और आखिरी में बनारस, गाजीपुर, चंदौली, ये जिले पड़ते थे। इस बार उनका ये कहना है कि इस बार शुरुआत इधर से किया जाए, उनकी अपनी उनको मुझे लगता है कि क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है
उनको मानना है कि हर 4 से 5 चुनाव के बाद इसमें बदलाव होने चाहिए, तो ये तर्क दिया जा रहा है कि बदलाव होने चाहिए। हालांकि मेरी जो जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बजाय पूर्वांचल में, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, इस बात का भी डर है कि आने वाले 2-3 तेज के बाद हो सकता है कि चुनाव में प्रचार रुक जाए। ऐसे में पूर्वांचल जहां पर ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पर बीजेपी चाह रही है कि शुरुआत में बीजेपी के चुनाव प्रचार ज्यादा जब रहेंगे तो वहां पर ज्यादा सीटों को बीजेपी जीत सकती है, और वहां पर बीजेपी की पकड़ भी ज्यादा अच्छी है। तो बीजेपी चाह रही है कि चुनाव प्रचार का ज्यादा जोर पूर्वांचल रहे और इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये मोदी की जो मेरठ में रैली हुई थी, इसके बाद बीजेपी को लगता है कि जो नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी वो थोड़ी कम हुई है। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि जो अपना गढ़ है उनको पूरी तरह से बचाया जाए। पूर्वांचल में बहुत अच्छी, पूर्वांचल में बीजेपी की पोजीशन ज्यादा अच्छी है वहां पर। हालांकि इस बार सपा जिस तरीके से चुनाव, अमित, बीजेपी की पोजीशन किसी भी इलाके में या किसी भी रीजन में कैसी भी हो, इससे इसको लेकर तो खैर चुनाव आयोग फैसला नहीं लेगा। वो तो जो फैसला देगा, न्यूट्रल फैसला देगा, जो भी तारीखों का ऐलान होगा, किसी के पक्ष में नहीं होगा वो। अमित, एक तो पूर्वी यूपी जीतना कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी पार्टी के लिए, और दूसरी बात देखिए, मांग तो ये भी उठ रही है कि जितनी भी रैलियां हो रही हैं चुनाव आयोग इसे भी बंद करने का आदेश दे दे, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। देखिए, जिस रफ्तार में कोरोना के संक्रमण की संख्या बढ़ रही है वो चिंता की बात है। बंगाल में सबने देखा था कि इसके बाद एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई थी और इसके बाद वहां पर रोकना पड़ा था जब दूसरी लहर आई थी, और इस बार भी हालात कुछ अगर देखिए, पिछले 5 से 6 दिनों में 4,000 दिल्ली में, 6,000 महाराष्ट्र में, इस तरह से लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं, और ये नंबर अब जिस तरह से बढ़ रहे हैं कि डर लोगों में पैदा होता जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कैबिनेट की बैठक वर्चुअल हो गई है, जो बड़ी मीटिंग हो रही है वो वर्चुअल हो गई। तो ऐसे में सवाल लोग ये पूछने लगे हैं कि चुनावी रैली वर्चुअल क्यों नहीं। तो मुझे लगता है इन सारी जो चुनाव प्रोटोकॉल है, जो कोविड प्रोटोकॉल है, उसको ध्यान में रखकर चुनाव आयोग को फैसला लेना है, क्योंकि चुनाव आयोग के फैसले के आधार पर ही तय होगा कि चुनाव में जो प्रचार होगा वो किस तरह से होगा। जैसे पिछले चुनाव में सबने देखा था कि 5 गाड़ियों पर रोक लगाई गई थी, ज्यादा भीड़ ना हो जब नॉमिनेशन हो, रैलियों में को पे भी एक रोक लगाई थी, लेकिन उनको कोई माना नहीं था। अगर आपने ध्यान दिया हो, चाहे बिहार चुनाव की बात करें, बंगाल चुनाव की बात करें, तमाम प्रोटोकॉल पीछे रह गए थी और रैलियों में जबरदस्त भीड़ आ रही थी, लेकिन ऐसी स्थिति ना हो। जो पॉलिटिकल पार्टी से हम लोगों ने बात की, उनका कहना था कि ये फैसला चुनाव आयोग को करना है, चुनाव आयोग तय करेगी कि किस तरह से कोविड के प्रोटोकॉल के तहत चुनाव कराना है। अगर वो कहती है कि चुनाव प्रचार ना हो और उसमें चुनाव प्रचार से वर्चुअल हो, तो बीजेपी ने तो ये पहले ही कहा है कि वो इसके लिए तैयार है, लेकिन अभी क्या चुनाव को लेकर क्या कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चुनाव को ऐलान के वक्त चुनाव आयोग। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों से इस अहम जानकारी को साझा करने।